हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय वंदना हियर द ट्वेल्थ स्टैंडर्ड्स चैप्टर नंबर टू सोल्यूशंस पार्ट फोर अब यहाँ पे हमारा जो पार्ट फोर है उसमें हम देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे वन बाय वन अब सॉल्यूशन का हमने देख लिया इसके बाद पहले उसके अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है तो ये सभी चीज़ें के लिए पहले आपको डेफिनेशन देखनी पड़ेगी आइडियल सॉल्यूशंस एंड आइडियल सॉल्यूशन सोल्यूशन विच ऑबेज रॉल्ड्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन को हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है ओबे करता है ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पूरी की पूरी जितने कॉन्सेंट्रेशन उसका होगा उस सभी में जो सोल्यूशन रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा दैट इज इट्स पार्शल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन तो उसको हम आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे अब इसके लिए उन्होंने यहाँ पे दिया है वेन टू कॉम्पोनंट्स आइडेंटिकल इन मॉलिकुलर साइज इन स्ट्रक्चर एंड इंटर मोलिकुलर फोर्सेज मिक्स देन आइडियल सोल्यूशन आर फॉर्म कैसे बनाएंगे इन प्रैक्टिकली आइडियल सोल्यूशन कि जब हम दो कंपोनेंट लेते हैं जिनका मॉलिकुलर साइज आइडेंटिकल होता है उसी तरह से स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल होता है और इंटर फोर्स भी सेम होगा उन दो चीज़ों को दो कंपोनेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो वहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन बनता है अब इंटरमोलिकुलर inter इंटरेक्शन जैसे उन्होंने एक दिया एग्जाम्पल में ए और बी ये दो कॉम्पोनेंट लेते हैं इंटर मोलिकुलर बिटवीन ए एंड बी और आर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज इन प्योअर कॉम्पोनेंट एंड बी पी देखिए भाई हमने यहाँ पे आइडियल सोल्यूशन में बोला कि वो पूरे इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में जो है उसका क्या रहता है रॉल्स रौ, लॉ फॉलो करते हैं तो दो कॉम्पोनेंट है ए और बी तो यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ए और बी के बीच में वही इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड होती है सेम होती है ए ए और बी बी के बीच में भी मतलब दोनों में ए पार्टिकल है बी बी पार्टिकल है दोनों का आपस में जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा बी बी का भी आपस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो सेम आएगी किसके बराबर ए और बी के बीच में जो है मीन्स देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेस वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है क्योंकि ए बी के बीच में जो एट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड है वही सेम ए ए ए और बी बी के बीच में है तो वहाँ पे देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ एट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन द टू कॉम्पोनन्ट हैज़ द हीट चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो अरे यहाँ पे ए बी के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज uh, वही ए ए और बी बी के बीच में इसलिए जब ए और बी को मिक्स किया जाएगा तब वहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा हीट एनर चेंज में हीट

मेक्स इज ऑल्सो जीरो तो ये दो चीजें आइडियल सोल्यूशन के बारे में आपको याद रखना है क्या है आइडियल सोल्यूशन का कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं ए बी के बीच में उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है एज दैट ऑफ प्रेजेंट इन द बिटवीन ए ए एंड बी बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी ए बी के बीच में होने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के मैग्नीट्यूड की राइट तो उसके लिए एग्जाम्पल दिए हैं एन एनहेक्जेन और एन एनएफ्टेन का सोल्यूशन दोनों को मिक्स करके फिर उसी तरह से ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन इन दोनों का मिक्सर जो होगा वो भी आइडियल सोल्यूशन आएगा बेंजिन और टोलोिन ये भी उसके एग्जाम्पल है अब नॉन आइडियल सोल्यूशन किसे बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है उसका बिल्कुल अपोजिट आइडियल सोल्यूशन का द सोल्यूशन्स विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ और द एंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सनट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन जो सोल्यूशन बिल्कुल रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे वी कैन से दैट फॉर द एंटायर रेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन उनको हम नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ सच सोल्यूशन इज आइदर हायर और लोअर दैन दैट प्रेडिक्टेड बाई रॉल्स लॉ तो रॉल्स लॉ के हिसाब से हमें पता है कि वेपर प्रेशर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोल फ्रैक्शन से सोल्यूशन की मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल होती है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की वो एक तो ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है दैट इज प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स रोल्स लॉ के हिसाब से इतना होना चाहिए उससे शायद वो ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है इफ़ इट इज़ हायर अगर वो वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है देन द सोलूशन हैव पॉजिटिव डेविएशन एंड इफ इट इज़ लोअर देन दैट एक्सपेक्टेड बाय द रॉड्स लॉ देन इट एग्जिबिट निगेटिव डेवियशंस फ्रॉम रॉड्स लॉ देखो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ें दी हैं क्या चीज़ दिया है कि जो सोल्यूशन में बिल्कुल रॉड्स लॉ नहीं फॉलो करता पूरे रेंज ऑफ जो कॉन्सनट्रेशन है उसमें यहाँ पे सोल्यूशन की पेपर प्रेशर हाई हो सकती या फिर लो हो सकती है जो दैन दैट प्रेडिक्टेड बाई रॉल्स लॉ रॉल्स लॉ के हिसाब से जो होना चाहिए उससे वो ज़्यादा हो सकती है या कम भी हो सकती है वेपर प्रेशर सोल्यूशन की अगर वेपर प्रेशर सोल्यूशन की ज़्यादा है तो उसका मतलब दिस एग्जिबिट पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ अगर लोअर है तो वो एग्ज़िबिट करता है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ नॉन आइडियल सोल्यूशन के दो टाइप्स है देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशंस वो दो टाइप जो दिए उन्होंने बिल्कुल सिंपल है देख लीजिए क्या है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेवियशन फ्रॉम द रॉल्स का पहला टाइप है उसका कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन बताता है किससे फ्रॉम रॉल्स लॉ से क्या है भाई इसका तो बिल्कुल सिंपल है नाउ कंसिडर ए बाइनरी सोल्यूशन एक बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं जो दो कॉम्पोनन्ट से बना है ए और बी ए बाइनरी सोल्यूशन हैविंग टू कॉम्पोनंट्स ए एंड बी इफ द ए बी इंटर इन द सोल्यूशंस आर वीकर दैन ए ए एंड बी बी इंटर इन द टू लिक्विड्स फॉर्मिंग द सोल्यूशन देन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और बी विल फाइंड इट्स इजियर टू एस्केप दैन इन प्योर स्टेट एंड दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैन दैट एक्सपेक्टेड बाय रॉल्स लॉ बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक बाइनरी सोल्यूशन लेंगे जिसमें ए और बी दो कंपोनेंट्स है अब यहाँ पे पॉजिटिव डिविशन के लिए क्या है कि जो ए बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स आता है वो बिल्कुल वीक होता है किसके कंपेयरिंग में एज कंपेयर टू ए ए और बी बी के बीच में होगा तो नेचुरली ए बी का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है तो वो जल्दी से मतलब ब्रेक हो जाएगा और इस हिसाब से हम देखते हैं कि वीक होने के कारण या दोनों मॉलिक्यूल्स ए और बी ब्रेक हो जाएंगे और ए या फिर बी वो जल्दी से इजीली व सोल्यूशन में से एस्केप हो जाएंगे इन प्योर स्टेट एंड प्योर स्टेट क्योंकि ए ए और बी बी तीन तरह के आपको यहाँ पे अंदर दिखेंगे कोई भी सोल्यूशन जो होता है उसके तरह उसमें तीन तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ए और बी से बनने वाले में से ए बी वाला मॉलिक्यूल होगा कुछ ए ए वाले भी हो गए जो बिल्कुल नहीं रिएक्ट हुए कुछ बी बी वाले भी हो गए जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं हुए अब तीनों में से ए बी के बीच का बॉन्ड बिल्कुल वीक है वो जल्दी से ब्रेक हो जाएगा सोल्यूशन में जाने के बाद तो वो जल्दी से यू ऑपरेट हो गए किसके कंपेयरिंग में ए और बी बी के कंपेयरिंग में तो इसीलिए जो वेपर प्रेशर होती है सोल्यूशन की वो नेचुरली ज़्यादा होगी देर विल बी इंक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो हमने रॉड्स लॉस एक्सपेक्ट की थी उससे और दिस इज़ नोन एज पॉजिटिव डेवियशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ इसी पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं रॉड्स लॉ से अब इसमें एग्जाम्पल दिया है उन्होंने इफ इन प्योर इथेनॉल सोल्यूशंस मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डेड जो प्योर इथेनॉल सोल्यूशन आता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डेड से मॉलिक्युल्स बॉन्डिंग करते हैं एक दूसरे को अब इस इथेनॉल इत, सोल्यूशन में जब हम एसिटोन डालेंगे तो इट्स मॉलिकुल्स गेट इन बिटवीन इथेनॉल मॉलिक्यूल देखो एक सैंपल है उसमें इथेनॉल मॉलिक्यूल्स है जो इथेनॉ मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए हुए राइट ओ एज ग्रुप होता है तो राइट right? वो हाइड्रोजन आपके उस दूसरे वाले इथेनॉल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इस तरह से इथेनॉल का सैंपल है उसके अंदर आप जब एसिटोन डाल देते हो तो एसिटोन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल इथेनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएंगे और नेचुरली आने की बात क्या होगा कि आप देखो कि इथेनॉल क्या करेगा इट जस्ट दिस मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द इथेनॉल मॉलिक्यूल्स ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द इंटरेक्शन नेचुरली भाई आपके जो भी है उसमें से बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना हुआ जो आपका दिख रहा है इथेनॉल मॉलिक्यूल्स वो बिल्कुल वीक है वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके अंदर एड्सिटोन आ जाएंगे तो नेचुरली द सोल्यूशन विल फाइंड शोज उसका ये ऑपरेशन होकर उसकी वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगी तो दिस सोल्यूशन विल शो दॉजिटिव डेवियशन फ्रॉम ड्रॉड्स लॉ एंड उसी तरह की सिमिलर केस आती है जब कार्बन डाइसल्फाइड आप किस में डालते हो एसिटोन में डालते हो ऐसीटोन का एक सोल्यूशन है जिसके अंदर बिल्कुल आप एसटोन आपस में देख लीजिए कि इस हिसाब से एसीटोन का सोल्यूशन हो रहा है उसमें जब आप कार्बन डाईसल्फाइड डालते हो तो कुछ एसुटन मॉलिक्यूल्स के बीच में कार्बन डाइसल्फाइड आ जाता है राइट उसके मॉलिक्यूल्स और उनके एसुटन का जो आपस में जो बॉन्डिंग था वो ब्रेक डाउन कर देता है और इसीलिए सोल्यूशन की जो वेपर प्रेशर है वो हायर आएगी देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड बाय द रॉल्स लॉ एंड दिस इज नोन एज पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम द रॉल्स लॉ तो बिल्कुल सिंपल है ए बी का बीच का बॉन्डिंग जो इंटर इंटरेक्शन इंटरैक्शन वो बहुत वीक है एज कंपेयर टू ए ए और बी बी इसीलिए वो जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाता है ये भी और इसीलिए वेपर प्रेशर सोल्यूशन की हायर होती है दूसरा है हमारा टाइप जो अभी क्या दिखा रहा है निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है इन सच सोल्यूशन यहाँ पे डायग्राम भी दिखाई है मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ डायग्राम क्या है देख लीजिए ए वाली डायग्राम है पॉजिटिव डेविएशन के लिए ए वाला दिख रहा है आपको कि भाई हमें दिखाया है यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में देखो एक्सपेक्ट क्या था और क्या ये जो डॉटेड लाइन है वो एक्सपेक्ट था हमें रॉल्स लॉस है लेकिन जब एक्चुअली देखा गया तो देयर इज यू फाइन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज हो रही इतनी चाहिए थी इतनी ज़्यादा है ये हमारा दिया हुआ है ठीक है अब देख लीजिए अब आगे दिया है उन्होंने वेरी सिंपल कि नॉन आइडियल सोल्यूशन का जो दूसरा दिया है नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैविंग निगेटिव डेविएशन क्या होता है इन सच सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन में द ए बी इंटरेक्शन आर स्ट्रोंगर होते ए बी जो है उनके बीच का इंटर फोर्स या इंटरेक्शन स्ट्रोंगर होता है दैन ए ए और बी बी इंटरक्शन से एंड ड्यू टू स्ट्रोंगर ए बी इंटरेक्शन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए एंड बी टाइप्स ऑफ मॉलिकुल्स फ्रॉम सोल्यूशन इज लेस दैन फ्रॉम द प्योर चुरली भाई ए भी बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो जब आपका यहाँ पे जो टेंडेंसी होती ए और बी कोई भी इसमें से जो ब्रेक डान होके ऑपरेट होने की राइट वो बहुत कम होती है सो ड्यू टू ए इंटर एक्शन द स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए और बी राइट ऑफ द मोलिकुल्स फ्रॉम सोल्यूशन इज लेस दैन एज कंपेयर इट फ्रॉम द्योअर प्योर स्टेट के ए ए और बी बी वो वीकर होते हैं और जल्दी से ब्रेकडाउन हो के वो वहाँ से ही ऑपरेट हो सकते हैं लेकिन ए बी का नहीं होता है तो इसकी वजह से दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन नेचुरली भाई ए बी स्ट्रांग होने के कारण उसके मॉलिकुल ब्रेकडाउन नहीं होते हैं राइट right? और इसकी वजह से वहाँ पे उसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होती है दैन एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ जो रॉल्स लॉ से हमने एक्सपेक्ट की थी उसके बेसिस से वो डिक्रीज हो जाती है एंड देन सोल्यूशन आर सेव निगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉड्स लॉ और ऐसे ही सोल्यूशन को हम बोलते हैं कि निगेटिव डेविएशन है फ्रॉम द रॉड्स लॉ इसकी डायग्राम भी आपको यहाँ पे दिखाई है देख लीजिए निगेटिव डेविएशन आपको दिया है दस सीयर ये हमारा देर इज अ ग्राप ऑफ वेपर प्रेशर अगेंस्ट अ मोल फ्रैक्शन दिया है उन्होंने और एक्सपेक्ट ऐसे दिख रहा है आपको ये डॉटेड लाइट से था राइट right? ये एक्सपेक्ट था लेकिन जब आप देखते हो कि ये वेपर प्रेशर दिख रही है आपको और नीचे आ रही है मिस वापे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन की है वो डिक्रीज है ये तो प्योर स्टेट वाले के हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है दे फाइंड डैट इट इज़ अ लोअर नीचे है तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल भी दिया है उसके लिए जैसे फिनॉल और एनिलिन इन दोनों को मिक्स करके आपका जो बनेगा वो नॉन आइडियल सोल्यूशन बनता है राइट right? तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है नॉन आइडियल सोल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन फिनॉल एंड आइलिन द इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फिनॉलिक प्रोटॉन एंड लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ एनिलिन इज स्ट्रोंगर नेचुरली वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसके बीच में फिनॉल एंड उसका जो दूसरा एनिलिन फिनॉल का आपका हाइड्रोजन ओ एच का एच और एनिलिन का नाइट्रोजन एन एच टू ग्रुप आता है एनिलिन में सी सिक्स एच फाइव एन एच टू रिंग और उसके ऊपर आपका जो है आ, आएगा आपका दैट वन इज़ फेनिल ग्रुप और उसके ऊपर एन एच टू तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव इसकी लोन पेयर और प्रोटॉन राइट उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है मतलब प्रोटो फिनॉलिक ग्रुप आ गया ए एनिलिन आ गया बी ए बी के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है और वो किससे स्ट्रांग है दैन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सिमिलर मारकुल मतलब फिनाल फिनॉल के बीच में और एनिलिन एनिल के बीच में फिनाल फिनॉल मतलब ए ए टाइप और एनिलिन एनिलिन मतलब बी बी टाइप वो वीक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके कंपेयरिंग में आपके फिनॉल और एलिनिन के बीच में बहुत स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है राइट right? तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो क्लोरोफॉम और एसिटोन का भी है इसमें भी इस तरह से ही आपको एक्सप्लेन देना है तो यहाँ पे उन्होंने दिखाए आपके डायग्राम अब उसके बाद आता है एक न, आ, लास्ट टॉपिक इसमें से मैं ले रही हूँ आज की वीडियो का एजियोट्रॉप्स एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं उसके बारे में देखते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल टाइप्स नॉन आइडियल सोल्यूशन के दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे बिल्कुल सिंपल है नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जो बिल्कुल रॉल्ड लॉ फॉलो नहीं करता ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सनट्रेशन उसके दो टाइप्स ऐसे सोल्यूशंस जो पॉजिटिव डेवियशन दिखाते फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ और ऐसे सोल्यूशंस जो नॉन आइडियल सोल्यूशन जो निगेटिव डेवियशन बताते फ्रॉम द रॉल्स लॉ पॉजिटिव डेवियशन में ए बी के बचपे के जो इंटरेक्शन का होता है और वीक होता है दैन ए और बी बी जबकि निगेटिव डेवियशन में इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज़ वेरी स्ट्रांगर एज कंपेयर टू ए ए और बी बी इसीलिए ऊपर वाले जो पॉजिटिव डेविएशन है उसमें वेपर प्रेशर सोल्यूशन की हायर होती है दैन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉड्स लॉ जबकि निगेटिव डेविएशन में द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज़ लोअर दैन दैट 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 एक्सपेक्टेड बाय द रॉड्स लॉ ठीक है ये दोनों हो गए अब आता है एक एजोट्रॉप्स किसे बोलते हैं देख लो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी शॉर्ट नोट इसके ऊपर पूछी जाती है द सोल्यूशंस और मिक्सचर्स ऑफ द लिक्विड ऐसे सोल्यूशन या फिर दो लिक्विड्स के मिक्सचर विच ऑन बॉयलिंग प्रोड्यूस वेपर्स नेचुरली भाई वो सोल्यूशन या जो भी मिक्सचर ऑफ लिक्विड होगा उनको बॉयल करेंगे तो उसकी वेपर प्रोड्यूस होगी और ऐसी वेपर्स विद द सेम कॉम्पोजिशन एज द लिक्विड अब इस सोल्यूशन की या मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स की जो भी वेपर प्रोड्यूस होती है उसमें वही कॉम्पोजिशन होता है उस लिक्विड्स का जो सेम लिक्विड में होता है एंड बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर और दोनों का जो बॉयलिंग होता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है उसे हम एजुट्रॉप्स बोलते हैं मीन्स कॉम्पोजिशन जो होगा लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट दोनों में सेम होता है और बॉयल भी करते हैं एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर उन मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स को हम बोलते हैं एजिट्रॉप्स बिल्कुल सिंपल है जैसे आप देख लो कि वहाँ पे दो टाइप्स एजिट्रॉप्स के दिए हैं डिपेंडिंग ऑफ डेवियशन फ्रॉम दैट वन दो टाइप्स है एजिट्रॉप्स के एक मिनिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप्स और दूसरा दिया है मैक्सिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप्स तो एजिट्रॉप्स का तो आपको पता चल गया होगा कि द सोल्यूशन और यू कैन से दैट मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स विच ऑन बॉइलिंग प्रोड्यूस वेपर्स नेचुरली उनको बॉयल करेंगे तो वेपर्स प्रोड्यूस होगी दट्स वेपर ऑल्सो हैव द सेम कॉम्पोजिशन एट दैट ऑफ द लिक्विड लिक्विड का जो कॉम्पोजिशन था वही वेपर्स का भी होगा एंड दे बॉयल्स एट द सेम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो उसके दो टाइप्स हैं मिनिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप्स एंड मैक्मम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स तो देख लेते हैं इन दोनों टाइप्स को बहुत सिंपल है मिनिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप्स किसे बोला जाता है

वो बिल्कुल जल्दी से ऑपरेट हो जाएगा राइट right? मीन्स उसका बॉयलिंग जो होगा वो मिनिमम आएगा तो वही लो, वही बताए गए मिनिमम बॉयलिंग एजेट्रॉप्स एग्जाम्पल इथेनॉल वाटर मिक्सचर इथेनॉल वाटर मिक्सचर जो होता है जो शुगर के फर्मेंटेशन से हमें मिलता है शुगर का जब फर्मेंटेशन किया जाता है तब इथेनॉल वाटर का मिक्सचर मिलता है दीज आर रिच इन वाटर इथेनॉल वाटर के मिक्सचर जो होता है वो पानी में रीच है अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा जिसमें 95 परसेंट इथेनॉल वॉल्यूम आएगा एंड वंस द कॉम्पोजिशन हैज़ बीन ऑप्टेन द लिक्विड एंड द वेपर हैव द सेम कॉम्पोजिशन नो फर्दर सेपरेशन देखो आप हम जब शुगर का फर्मेंटेशन करते हैं तब तो उसमें से हमें इथेनॉल वाटर का मिक्सचर मिलता है जो वाटर में दैट आर द रिच इन वाटर वाटर उसमें ज़्यादा होता है अब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर हमें पता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें एक ऐसा सोल्यूशन मिलेगा जिसमें नाइंटी फाइव परसेंट इथेनॉल है राइट बाय वॉल्यूम एंड वंस द कॉम्पोजिशन हैज़ बीन ऑप्टेन तो एक बार हमें एक कॉम्पोजिशन मिल गया द लिक्विड एंड वेपर हैव द सेम कॉम्पोजिशन इसका हम डिस्टिलेशन करते जा रहे करते जा रहे हैं तो इसमें जो वेपर्स और लिक्विड होगा इन दोनों का कॉम्पोजिशन सेम होगा उसमें आगे हम ज्यादा सेपरेशन नहीं कर पाएंगे नेक्स्ट मैक्सिमम बॉयलिंग एजिट्रोप्स किसे बोलते हैं ऐसे सोल्यूशन विच शो निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, दे फॉर्म मैक्सिमम बॉयलिंग एजिट्रॉप्स नेचुरली भाई निगेटिव डेविएशन वाले कौन से सोल्यूशन है जिसमें ए बी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ए ए एंड बी बी तो नेचुरली यहाँ पे ए बी बॉन्ड स्ट्रांग होने के कारण इट विल नॉट ब्रेक डाउन एंड सो इट विल नॉट इओपरेट इसलिए उसकी बॉइलिंग भी क्या होगी मैक्सिमम होगी तो सो दे हैव अ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर दिज आर द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड्स दैट फॉर्म द मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप्स एजिट्रॉप्स हैव 68% नाइट्रिक एसिड 32% वाटर बाय मास विद द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना दिया है लगभग 393.5 केल्विन, जो सेम रहेगा उसके लिक्विड एज वेल एज वेपर स्टेट में राइट right? मीन्स एक कंपोजिशन चेंज नहीं होता है जब नाइट्रिक एसिड और वाटर इन दोनों से जो बनाया जाता है दैट हैविंग द सेम कॉम्पोजिशन इन लिक्विड एंड एज वेल एज इन वेपर स्टेट Thank you for watching my video. Please subscribe my channel. Any suggestion, any comments please write down. Any query, I will be here there. Thank you sir.